सो हेलो वेलकम बैक इस अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आज अपना फिश फार्म दिखाने वाला हूँ, अपना मिनी फिश फार्म जो कि मेरा सेटअप भी बनके रेडी हो चुका है फाइनली। और आपको मैं आइडिया भी दूंगा कि आप किस तरीके से अपना सेटअप बना सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना और किस तरीके से फिश ब्रीड करके पैसे भी कमा सकते हो और कौन कौन सी फिश ब्रीड करने के लिए ज़्यादा आसानी होती है सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। और चलिए आपको मैं अपने सारे टैंक्स दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो ये सारे मेरे टैंक सेटअप्स हैं और आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप भी अपने टेरेस पर स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेरेस है गाइस, तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक साइड में, देख सकते हो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लिया इसने, एक किनारे पड़ा हुआ है ऐसे। और अगर आप कहीं रेंट पर रहते हो तो आप बालकनी भी, अगर होगा तो बालकनी में भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे टैंक सेटअप बनाएं, आप एक प्लास्टिक के टब से भी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं भी बहुत जल्द प्लास्टिक के टब भी लाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इतने से बहुत कम लग रहा है, मुझे और भी लाना है क्योंकि और भी ब्रीड करानी है। तो एक एक करके टैंक दिखाता हूँ मैं अपने। तो गाइस ये मैंने बना रखा है पॉली सीट से, देखो पॉलीथीन सीट है ये, और ब्रिक मैंने ब्रिक से पहले फ्रेम बनाया उसके बाद फिर पॉली सीट से ऐसे बना के रख दिया। और देखो काफ़ी लंबा है तो इसमें आराम से फिशेस ब्रीड करा सकता हूँ मैं। उसके बाद जस्ट बगल में है ये थर्माकोल बॉक्स, तो उसमें मैंने पॉली सीट इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस थर्माकोल बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा होल है जैसे कि दिख रहा होगा तुम लोगों को यहाँ पे। और मैंने इसमें उधर हाइसिंथ और कुछ नए प्लांट डाले हुए हैं और इसमें भी कोई फिश नहीं है, इन दोनों में कोई भी फिशेस नहीं है। और ये सब मैं रिवर साइड से लेके आया हूँ, ये प्लांट काफ़ी यूज़फुल प्लांट है क्योंकि इससे हम लोग फिश ब्रीड करा सकते हैं क्योंकि ये हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करता है प्लस ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। और देख सकते हो थोड़ा बहुत एल्गे भी दिख रहा होगा, एल्गे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिश के जो फ्राइज होते हैं बहुत ही अच्छे से खाते हैं इसको। ओके नेक्स्ट टैंक है मेरा ये फ्रिज बॉक्स, ये मैं 20 रुपीज़ में लेके आया था जो हमारे लोकल शॉप होते हैं कबाड़ी वाले, वहाँ से लेके आया था लोकल कबाड़ के शॉप में, मुझे बस 20 रुपये में मिल गया था। तो मैंने इसमें इस टाइम अभी अपने फ्राइज रखा हूँ, फ्राइज रेस कर रहा हूँ। मॉली फिशेस के फ्राइज हैं, वाइट मॉली, ब्लैक मॉली और प्लेटी फिशेस भी हैं और गप्पी फिशेस हैं इसमें। और ये कॉइन प्लांट देख सकते हैं और इसमें बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जल्दी कैसे फिशेस के फ्राइज को ग्रोस के कर सकते हैं। उसके बगल में भाई ये है मेरा दूसरा थर्माकोल टैंक, इसको मैंने सीमेंट से लगा रखा है, सीमेंट करके रखा है अंदर से तो इसमें पानी आराम से रुकता है। और इसका एक फन फैक्ट ये कि भाई थर्माकोल में सीमेंट ने लगा दी तो पानी इसका ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, मतलब गर्मी के टाइम में मैंने देखा कि इसका पानी ठंडा ही था। और ये सब आउटडोर में है आराम से, अगर बारिश होगी तो भाई तो एक इसके ऊपर हो सकती है बट दीवार के वजह से थोड़ा सा रुक जाता है, और जब बारिश होगी तो उसका जुगाड़ मैं कर लूँगा। तो आपने मेरे सारे टैंक देख लिए होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि आइडिया दे रखा है, आप प्लास्टिक के टब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक के टब जस्ट 100 रुपीज़ का आता है, अगर आप एक ले आएंगे तो उससे भी हो जाएगा। उसके बाद अगर प्लास्टिक टब नहीं ला सकते, ऐसा कुछ सेटअप बनाना चाहते हैं थोड़ा बड़ा, तो ये पॉली सीट भी आपको 100 रुपये में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेंथ में मिल जाएगी। तो अभी छोटा दिख रहा होगा, इससे भी बड़ा मिल जाएगा। और ऐसे ब्रिक तो हर जगह मिल जाते हैं भाई, रोड पे ही मिल जाते हैं, रोड से उठा के आप बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं। और अगर आप थर्माकोल बॉक्स का जुगाड़ कर पाएगा कहीं से तो और भी बेस्ट है। ये थर्माकोल इस टाइप का आपको मिल जाएगा जहाँ पे फिश शॉप होती हैं, एक्वेरियम वाली शॉप नहीं, जहाँ पे खाने वाली मछलियाँ मिलती हैं, फिश मार्केट, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और थर्माकोल बॉक्स आपको मिल जाएगा जहाँ कबाड़ वाला शॉप होता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो तो दिख जाएगा। और ये भी काफ़ी ज़्यादा चीप मिलता है, 20-30 रुपये मिल जाएगा, कहीं कहीं पर फ्री में भी हो जाता है काम। तो मैं जैसे कि आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से मतलब टैंक बना सकते हैं प्लास्टिक टब या फिर पॉलीशीट से, लगभग आपका 100 से 150 रुपये खर्चा आने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं फिशेस की, आप कौन से फिशेस ब्रीड करा सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना है फिश में। तो एज अ बिगिनर आपको स्टार्ट करना है मॉली फिश और गप्पी फिशेस से, और मॉली फिशेस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, लगभग 20 से 25 रुपये 30 रुपये मिल जाता है पेयर। तो आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए एक पेयर और जस्ट डाल दीजिए पानी के अंदर और उनको अच्छे से फीड करिए। या फिर आप गप्पी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोकल गप्पी 30 रुपीज़ तक ही मिल जाता है, 30 से 20 रुपये तक। और चाहे प्लेटी भी ब्रीड कर सकते हैं, प्लेटी फिश चाहे से बता दुकान सा था, ये देखिए नीचे दिख रहा होगा रेड रेड, ये है प्लेटी फिश, आप इसको भी ब्रीड कर सकते हैं। ये सब लाइव ब्रीडर फिशेस हैं, मतलब ये डायरेक्ट बच्चा देते हैं तो आपको इतना मतलब झमेला नहीं देखना पड़ेगा। जैसे कि गोल्ड फिशेस हैं वो एग देती है, तो उनको ब्रीड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, और इनको कॉम्प्लिकेटिव नहीं, इनको बस आप पानी में डाल दीजिए, अच्छे से फीड करिए, और हर मंथ ये लोग बच्चे देते हैं, हर मंथ में 30 बच्चे देते हैं, 30 डेज़ पे लगभग 30 से अबव बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते रहते हैं बच्चे। तो इनको ब्रीड करना बहुत ही आसान है, और इनको ब्रीड करने से एक फ़ायदा तो होगा ही कि आप किसी को सेल भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स,
और अगर आप सेल नहीं भी करते हैं तो एक दूसरा फ़ायदा यह है कि जैसे कि हम फिशेस लेके आते हैं, फिशेस मर जाती हैं, फिर हम लोग एक्वेरियम शॉप पे नए फिशेस लेके आते हैं, तो इस तरीके से मनी भी वेस्ट होता है। बट अगर आप घर पे खुद से ब्रीड करेंगे तो दोबारा आपको फिशेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं अब इनमें से तो कोई भी फिशेस लाने वाला नहीं हूँ, और कोई दूसरे वैरायटी के फिशेस तो वही लेके आऊँगा मैं। मैं आपको बता दें कि फिशेस में कितना मतलब इन्वेस्ट करना है, लगभग 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो काफ़ी हो जाएगा आपका स्टार्टिंग में। उसके बाद अब बात करते हैं फूड सप्लीमेंट्स की। फिश ब्रीड कराने में फूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जितना अच्छा फूड खिलाएंगे उतनी जल्दी फिशेस ब्रीड करेंगी और उतनी जल्दी ग्रो भी करेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सा फीड अपने फिशेस को खिलाता हूँ। तो गाइस ये है ऑप्टिमम का मिनी पैलेस और ये नंबर वन फूड है, हर जगह आपको मिल जाएगा, किसी भी एक्वेरियम शॉप में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। और ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, बट जब फिशेस छोटी होती है तो आप इनको क्रश करके खिलाएंगे तो क्रश करके भी लोग खा लेते हैं काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी अच्छा फूड होता है ये और काफ़ी चीप प्राइस में होता है। मतलब ये 160 रुपीज़ का पैकेट आता है इसका स्टार्टिंग, और ये है 100 रुपीज़ वाला पैकेट, और 100 रुपीज़ वाले पैकेट में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि 60 रुपीज़ का पैकेट उसमें सिर्फ 100 ग्राम होता है, और जो 100 रुपीज़ का पैकेट है उसमें 250 ग्राम होता है, तो ज़्यादा फ़ायदा उसी में है गाइस। 40 रुपये लगा के आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा फूड जो मैं अपने फिश को खिलाता हूँ। तो ये है गाइस रॉयल फिश कंपनी का फ्री ड्राई ट्यूबिफिक बॉम्ब्स। ये छोटे छोटे से कीड़े जो होते हैं केचुए टाइप के भी वही हैं, और ये काफ़ी अच्छे से इन लोग खाते हैं, बट मैं इनको डेली नहीं देता हूँ, इनको मैं हर 1 से 2 दिन पर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से डेली डेली ऐसा फूड देंगे तो फिर वो पैलेस खाना छोड़ देंगे। तो जैसे कि अगर आप इनको ब्रीड कराना चाहते हैं तो आप डेली डेली कुछ डिफरेंट डिफरेंट खिलाए कोई दिक्कत नहीं है। ये रोटी भी बहुत अच्छे से खाते हैं, रोटी का जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है इनको फिर डाल देते हो तो वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं, और एग योग भी खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो कि अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप अपने फिश को कौन कौन सा घर का खाना खिला सकते हैं और बाहर का खाना कौन सा मतलब बेस्ट रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें से लाइव फूड अगर आप नहीं अवेलेबल है तो आप इसी को खिला सकते हैं। लाइव फूड में ट्यूबिफिक बॉम्ब भी होता है लाइव वाला जो ज़िंदा रहते हैं, और ब्लड बॉम्ब्स होता है, डफनिया मोहना बहुत सारा चीज़ है। और कुछ नहीं तो आप देखेंगे अगर खाली टैंक पड़ा होगा कहीं पे या फिर कहीं पे खाली टब रख देंगे तो उसमें कुछ दिन में मॉस्किटो लार्वा हो जाते हैं, तो आप उसी को खिला सकते हैं निकाल के, काफ़ी अच्छे से खाते हैं। और गप्पी फिशेज तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं मॉस्किटो लार्वा खाने के लिए, बहुत जगह पे इनको ऐसे छोड़ दिया जाता है तालाबों में ताकि वहाँ के मॉस्किटो लार्वा ख़त्म हो सके और डेंगू ना फैले। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फिश फूड और फिश और टैंक में कितना खर्चा आएगा, देखिए टब हो गया आपका 100 रुपीज़ का एक, उसके बाद फिर फिश हो गई आपकी 2-3 पेयर आ जाएंगी 100 रुपीज़ में तो हो गया 200, उसके बाद फूड आपका आ जाएगा 100 रुपीज़ का हो गया 300, और जो मैंने आपको फूड दिखाया वो लगभग भाई 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद बता रहा हूँ 2 से 3 महीने चल जाता है। अब बात करते हैं कि फिशेस को फीड कितने टाइम करना है। तो फिशेस को गाइस फीड करना है लगभग दिन में 3 बार, एक सुबह डालिए, इसके बाद दोपहर में, उसके बाद फिर डायरेक्ट रात में, तो इस तरीके से फिशेस का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और वीक में 30% वाटर जरूर चेंज करिएगा ताकि इसमें अमोनिया ना रह जाए। फिलहाल ये तो बड़ा वाला टैंक है तो इसमें से मैं नहीं चेंज करता हूँ, और जैसे ये छोटा टैंक हो गया, बाकी ये सब है तो इसमें से मैं कर देता हूँ चेंज, ये काफ़ी बड़ा है तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपके आउटडोर पॉन्ड में ग्रीन वाटर हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं, ये इससे आपका मतलब पानी ख़राब नहीं हुआ, पानी क्वालिटी बहुत ही अच्छा, फिशेस के लिए काफ़ी बेस्ट है क्योंकि ग्रीन वाटर ज़्यादा बेस्ट होता है फिशेस के लिए, खासकर अगर आप ब्रीड करा रहे हैं इसलिए, क्योंकि ग्रीन वाटर में फिशेस को फंगस नहीं लगता है, और फिशेस जब फ्राइज देती हैं तो खुद से खा लेते हैं ये लोग, तो अगर ग्रीन वाटर रहता तो नहीं खाते हैं लोग। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, आप अपने टैंक में ऐसे प्लांट ज़रूर डालें, क्योंकि जब फिशेस फ्राइज देती हैं फीमेल और मेल, उसके बाद फ्राई देने के बाद मतलब बच्चे देने के बाद डायरेक्ट अपने फिश को खा जाते हैं, तो अगर आप ऐसा प्लांट सब डालेंगे तो इसमें फिश के फ्राइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाइड कर सकते हैं, और प्लस जो बड़े फिशेस होते हैं वो खुद भी इन पर हाइड करते हैं, उनका नेचर हाइडिंग वाला होता है, इसलिए मैं उनको हाइडिंग स्पेस ज़रूर दे ताकि वो लोग स्टॉक ना आए और मरे नहीं। जैसे कि मैंने इसमें दे रखा और देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एल्गे जमा हुआ है, एल्गे का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट है, एल्गे का भी, एल्गे फिशेस के फ्राइज खाती हैं और हाइड भी कर जाती है इसमें, और साथ में फिशेस खाती भी, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, और थर्ड चीज़ में ऑक्सीजन भी है बहुत ज़्यादा, ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। तो यही सारा है हमारा टैंक सेटअप, और अभी बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है, अभी मैं टब लाने वाला हूँ 2-3 प्लास्टिक के टब, 2-3 जितने भी आ पाए मैं इतने धीरे धीरे करके लाऊंगा, क्योंकि भाई कभी भी कोई चीज़ एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। देख सकते हैं मैंने पहले किस तरीके से स्टार्ट किया था, अभी कितना बड़ा सा मैंने कर दिया इसको, और बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। खैर अभी तो मैं
डम्बो या गप्पी लाने वाला हूँ और बलून वाली लेके आने वाला हूँ। उसके बाद फिर उनको ब्रीड कराऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही जल्दी मैं तब मैं इसमें फिश के फ्राइज़ को रेज़ कर रहा हूँ बड़े होने धीरे धीरे। जब ये पूरे बड़े हो जाएंगे तो मैं सेलिंग भी स्टार्ट करूँगा। कोशिश करूँगा पहले लखनऊ में स्टार्ट करने की, क्योंकि मुझे बाहर का कोई सीन नहीं पता कि बाहर किस तरीके से पहुँचाया जाता है अदर स्टेट में। अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में मुझे आइडिया दे दीजिएगा किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बाहर। तो मैं बाहर अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर होंगे तो मैं उनको उनके तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना और फ़ायदा भी बहुत है, और ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी। बस इसमें पानी डाल को महीने में बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और बाकी कोई केयर नहीं करनी। आप दिन भर में 5-5 मिनट निकाल लेंगे 3 बार, तो आराम से फिट फूड डाल के डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आराम से जो करना होगा फिशेज खुद ही करेंगी। तो आई होप आपको मेरा टैंक सेटअप देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे मुझको सपोर्ट करते रहिए, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ही कुछ आपको मतलब जितना मैं अपना एक्सपीरियंस मेरे पास जितना है मैं सब उसको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे मेन इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और इस चैनल का पेज भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि चैनल का पेज पे जाइएगा अगर मुझसे बात करना हो, और पर्सनली मेरा अदर कंटेंट भी देखना है तो मेरे मेन इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। और साथ ही के साथ मैं फिश फार्मिंग के साथ मतलब इससे पहले मैं रोस्टिंग करता था, मेरा रोस्टिंग का चैनल है मेन चैनल जहाँ से मैं मतलब जाना जाता हूँ, लोग मुझे जिस चैनल से ज़्यादा जानते हैं। बट फिलहाल भाई होता है ना लक, कभी भी कुछ भी हो जाता है। मेरा फिश जोन वाला चैनल ज़्यादा फेमस हो गया मेरे मेन चैनल से, तो कोई बात नहीं भाई, दोनों तो मेरे चैनल हैं। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप सब जाके मेरे मेन चैनल दिखाएँ, तो उसको भी उतना ही प्यार दें, उतना ही सब्सक्राइब करें। और मैं उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।